यूपी में साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है और खबर है कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटने के लिए अमेरिका के एक मशहूर चुनावी रणनीतिकार की मदद लेने जा रही है, जबकि कांग्रेस ने पहले से ही चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। वहीं बीजेपी और बीएसपी अपने अपने संगठन की समीक्षा में जुटी हुई है। मतलब साफ है कि जीत के लिए नए प्रयोगों के साथ कड़े फैसले लेने में सियासी पार्टियां अब पीछे नहीं हैं। देखिए रिपोर्ट। वो गुजरा दौर था जब राजनेता अपने दम पर चुनाव जीत कर आते थे। अब नया जमाना है, नए तरीकों और प्रबंधन से हार को जीत में बदलने की कला सभी सियासी दल सीखना चाह रहे हैं। साल 2012 में साइकिल की सवारी करते हुए सत्ता तक पहुंचे अखिलेश यादव को भी अब इलेक्शन मैनेजर की जरूरत आ पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के एडवाइजर गेराल्ड जे ऑस्टिन को चुनावी प्रबंधन के लिए अनुबंधित करने जा रही है। असल में मुख्यमंत्री और श्री मुलायम सिंह जी ही हमारे 1000 प्रशांत किशोर से बुद्धिमान है, योजनाबद्ध जानते हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के जरिए यूपी में फतह की रूपरेखा तैयार की है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़े फैसले लेने की खुली छूट दे रखी है। किशोर ने ऐसी सीटों के लिए एक फॉर्मूला ईजाद किया है जहां से बाहुबली चुनाव लड़ते हैं। इन सीटों पर महिला प्रत्याशियों के जरिए कांग्रेस वोटरों को एक विकल्प देगी। दूसरी ओर बीएसपी और बीजेपी अपने जातीय समीकरणों और संगठन को धार देने में जुटी हुई है। हालात यह है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, तमाम धर्मों के लोग अब इस सब चीजों से बदलाव चाहते हैं और यही बदलाव कांग्रेस के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मेरा विश्वास है कि उस बार हम होंगे कामयाब। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते 265 प्लस जीतने जा रही है। बढ़िया चुनावी प्रबंधन के जरिए साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बंपर जीत हासिल की थी। उसके बाद यही प्रबंधन बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने किया और जीत को गले लगाया। सटीक होती जा रही चुनावी प्रबंधन कला को अब परंपरागत विचारों वाली समाजवादी पार्टी भी अपना रही है और कांग्रेस भी इसी फार्मूले का पाठ पढ़ रही है। ये संगठन का प्रबंधन ही है जिसके बलबूते बीजेपी और बीएसपी ने जातीय समीकरणों का नया अंक गणित तैयार किया है। यूपी की सियासत में झंडे गाड़ने के लिए अब नए प्रयोगों की बाढ़ सी आ गई है। परंपरागत तरीकों से हटकर इमेज बिल्डिंग सबसे अहम हो चुका है, लेकिन सियासतदानों को यह समझना होगा कि ये यूपी की जनता है, सब जानती है। नतीजे आने दीजिए, पता चल जाएगा किसका उपयोग और किसका प्रयोग सटीक बैठा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, एपीएन लखनऊ।